नमस्कार भाइयों और बहनों, जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। लसोड़ा एक ऐसा वृक्ष है जिसके काफी सारे औषधीय फायदे और प्रयोग होते हैं। यह एक बहुत ही पौष्टिक और पुरुषों की समस्याओं को दूर करने के लिए रामबाण दवा का काम करता है, तथा इसके और भी काफी सारे औषधीय प्रयोग है, जैसे कि उदर विकार, रक्त विकार, श्वास, त्वचा रोग, सफेद बाल, खांसी, कंठमाला, अतिसार, मूत्र संबंधी विकार, उपदंश, दाद, मुंह के छाले, कमजोरी, वीर का पतलापन, नपुंसकता, तथा और भी काफी सारे इसके फायदे हैं, जिसकी जानकारी आज हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले हम आपको इस पेड़ की पहचान करा देते हैं। यह पेड़ भारतवर्ष में पाया जाता है और अधिकतर राजस्थान और मध्य प्रदेश में अधिक देखे जाते हैं। इस पर इस तरह के पत्ते लगते हैं जो अग्रभाग से चिकने होते हैं, तथा वर्षा काल में इस पर फल लगने लगते हैं जो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं और गुलाबी रंग के इसके फल होते हैं। ये फल खाने में मीठे लगते हैं तथा गोंद की तरह चिपचिपाते हैं। इन फलों को तोड़ने पर गोंद जैसा गाढ़ा द्रव्य निकलता है। ये फल बहुत ही पौष्टिक होते हैं और सभी प्रकार के विटामिन, मिनरल्स और औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। इसके पत्तों का स्वाद पान की तरह होता है। इस वृक्ष की छाल इस प्रकार की होती है, जिससे आपको इस पेड़ को पहचानने में सुविधा होगी। इसके फल एक साथ कई गुच्छों में लगते हैं। इस लसोड़े के वृक्ष को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना पहचाना जाता है। आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए हम इसके कुछ नाम आपको बता देते हैं। संस्कृत में इसको लघु शिलेशमातक, गोंदी, गोदनी, गुंडी, लिसोड़ा, लिसारा, छोरा, उर्दू में लसोरा, पंजाबी में गोंदी आदि नाम से जाना पहचाना जाता है। हो सकता है आप इसे किसी और नाम से जानते हो। आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आप कौन से क्षेत्र में रहते हैं और उसको क्या नाम से जानते हैं। आयुर्वेदिक मत अनुसार लिसोड़ा मधुर और शीत होता है। इसकी छाल कटु, मृदुकारी, मूत्रल, कषाय आदि गुण रखती है। इसके पत्ते शीतल, कामोत्तेजक, मृदुकारी तथा मूत्रल होते हैं। इसके फल बलकारक, कामोत्तेजक, पौष्टिक, मूत्रल, स्नेहक, कफ निराशक, शीतल, कषाय, कृमिघन, श्वेत प्रदर, शुक्रमेह, मधुमेह तथा अरुचि तथा मूत्र दाह शामक होते हैं। तो चलिए अब इस पेड़ के हम कुछ औषधीय प्रयोग और फायदे जानते हैं, जिसकी जानकारी से आप विभिन्न रोगों को दूर कर पाएंगे। किसी भी प्रकार की कमजोरी है उसको दूर करने के लिए इसके फलों का सेवन करने से कमजोरी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है। इसके दो चार फलों को रोज खाया जा सकता है, अधिक मात्रा में भी खा सकते हैं, लेकिन आप अपने बलाबल अनुसार ही इसके फलों का प्रयोग करें। इसके फल बहुत ही शक्तिवर्धक होते हैं। यह वीर विकारों को दूर करता है तथा वीर का पतलापन, शीघ्र पतन, नपुंसकता जैसी बीमारियों को यह दूर करता है। इसके सेवन से पेट के कृमि नाश होते हैं तथा इसको रेगुलर खाने से शरीर का वजन भी बढ़ता है। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसके फलों को खाने से शरीर में नया खून बनता है, दिमाग तेज होता है तथा मांसपेशियों को शक्ति मिलती है। इसके फलों को सेवन करने के विभिन्न तरीके हो सकते हैं। यदि आप चाहें तो इसके फलों को रोज ताजा ही कुछ मात्रा में सेवन कर सकते हैं, जिससे आपको भरपूर लाभ मिलेगा। या तो फिर आप इसके फलों को छाया में सुखाकर बारीक चूर्ण बनाकर रख लें और 5 से 10 ग्राम की मात्रा में चूर्ण का सेवन करने से इसके फलों का लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। इसका एक और तरीका है कि इसके फलों को सुखाकर शक्कर मिलाकर छोटे छोटे लड्डू बनाकर सेवन भी किया जा सकता है। सभी प्रकार की खांसी को दूर करने के लिए इसके पत्तों को जलाकर भस्म बना लें और उसके अंदर सेंधा नमक और शहद मिलाकर चाटने से सभी प्रकार की खांसी ठीक होती है। मुंह के छालों को ठीक करने के लिए इसकी छाल का काढ़ा बनाकर कुल्ला करने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। सिरदर्द होने पर इसके पत्तों को पीसकर माथे पर लेप करने से सिरदर्द ठीक हो जाता है। अतिसार रोग में इसके एक दो पत्ते चबाकर खाने से अतिसार रोग ठीक हो जाता है। इसकी छाल के काढ़े से दांत, खाज, खुजली वाले भाग को धोने से बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। त्वचा विकारों में इसके पत्तों को पीसकर चटनी बनाकर लेप करने से त्वचा विकार ठीक होते हैं, जैसे कि दांत, खाज, खुजली में इसको पीसकर लगाना चाहिए। शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ हो जाने पर इसके पत्तों को पीसकर गुनगुना करके बांध देने से बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। इसकी लकड़ी बहुत ही उपयोगी मानी जाती है और इसकी लकड़ी में कभी भी घुन नहीं लगती है। गले के रोगों में इसकी छाल का काढ़ा बनाकर कुल्ला करने से गले के रोग ठीक होते हैं। यदि आप इस पौधे के बारे में कोई जानकारी रखते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रहेगी। वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
किसी प्रकार का सवाल है, विचार है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं आपको एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। नमस्कार।